Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your homes. Today I will continue with the chapter number 4, long and short. Open your chapter number 4 in your book. Come to the page number 70. Last video में students हमने matchup किया था. Okay? और जो भी यहाँ से करवा रही हूँ सारा कंप्लीट करना है. होमवर्क भी स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट करना है. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. इन द पिक्चर गिवन बिलो द एंट वांट्स टू रीच द फूड. यहाँ पे एक एंट सी है, सी हियर, ये एंट्स है. वो क्या कर रही है? फूड्स की तरफ पहुँच रही है. ठीक है, धीरे धीरे करके फूड्स की तरफ पहुँच रही है. और कितने रोड्स का यूज कर रही है? रोड 1, रोड 2 और रोड 3, रोड 4. यहाँ पे टोटल 4 रोड्स दिए स्टूडेंट्स. 4 रोड्स का यूज करके ये एंट जो है ना, चींटी जो है वो फूड की तरफ पहुंच रही है. ठीक है, मेजर ईच रोड यूजिंग स्केल. अब ये जो ये स्टूडेंट्स रोड्स बनी हुई है ना, उसका आपको मेजर करना है. मेजर मीन्स उसको मापना है आपको स्केल के थ्रू. विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर दिस वन ऑल रोड्स. सी रोड 1. रोड 1 में कितना होगा स्टूडेंट्स? चलो हम देखते हैं. रोड 1 जो है हमारी कितनी है? आपको स्केल लेनी है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रखना है स्टूडेंट्स यहाँ से. ठीक है, ये 0 होता है तो ये 0 से स्टार्ट करना है. तो हमारा देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स रोड्स कहाँ पे पहुँच रही है? यहाँ पे पहुँच रही है. ठीक है, तो ये फाइव हुआ. ये 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, तो 5.5 हुआ. तो इसे हम लिखेंगे 5.5 रोड 1. ओके, फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ो. यहाँ पे ये कितना मेजरमेंट हो रहा है इसका? कितना माप हो रहा है? स्केल के थ्रू मापो कितना हो रहा है स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पे आपको 0 से स्टार्ट करना है और ये 1 है ना, ये 1 है. तो 1 और यहाँ तक ये इधर पॉइंट आ रहा है, मीन्स ये वाला पॉइंट आ रहा है. तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ. 1 सेंटीमीटर पूरा कंप्लीट होके आगे तक है, यहाँ तक है. तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 जो छोटी छोटी लाइन होती है ना, उसे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स में गिनने का. ओके, सो ये मेजरमेंट्स हुआ 1.5. अब आगे देखो स्टूडेंट्स, ये वाला रोड कितने सेंटीमीटर हो रहा है? सी ये हमारा 0 स्टार्टिंग पॉइंट्स हुआ. अब ये देखो कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट्स, ये 7 तक जा रहा है. 7 से भी आगे है. देखो 7 यहाँ पे आ रहा है, ये 7 आ रहा है ना, ये 7 आ रहा है और ये 7 से भी आगे है, यहाँ तक है. इट मीन्स ये 7.5 है. 7 के आगे हम रीड करेंगे 7.1, 7.2, 7.3, 7.5. तो ये हो गया हमारा 7.5. अब ये रोड मेजर करो स्टूडेंट्स, ये रोड्स कितने की होगी? सी 4.3. तो यहाँ से हम मेजर करते हैं ये रेड वाले से यहाँ तक. ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे जहाँ से स्केल स्टार्ट होती है 1 रखा और ये आया यहाँ पे 4.5 पर. तो ये 4 है हमारा स्टूडेंट्स, ये 4 के इधर आ रहा है. ठीक है, इधर आ रहा है. तो 4.1, 4.2, 4.3 यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, ये 4.5 होगा, ये जो बीच की लाइन है ना वो 5 होगी, लेकिन ये 4.3 हो रहा है. अब यहाँ पे इसको मेजर करो स्टूडेंट्स, तो ये कितना मेजरमेंट्स हो रहा है? ये देखो ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे. इट मीन्स ये 5 हुआ, 3 है ना. तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट 0 और यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट 3 है, लेकिन 3 के आगे जा रहा है. 3.1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 3.5 तक नहीं है, 3.2 तक है. ये 2 तक है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 3.2. अब इस चीज़ का मेजरमेंट्स करो ये वाली रोड्स का, रोड 2 का. तो रोड 2 का हम मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक आपको मेज़र करना है. तो यहाँ पे देखो ये 0 से स्टार्ट किया और ये आ रहा है, ये 3 के ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो 3 के ऊपर यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, इधर जा रहा है. तो ये 3.5 हुआ.
अब ये मेजर करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मेजर करते हैं हम। देखो ये जीरो से स्टार्ट किया हमारा और कहाँ पे जा रहा है, ये सेवन से आगे जा रहा है। आगे जा रहा है मीन्स एग्जैक्टली यहाँ पे है, ठीक है। सेवन के बाद में 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, तो ये हो गया हमारा 7.5। अब ये मेजर करो रोड थ्री को, ये पूरा रोड थ्री है, तो रोड थ्री को यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एग्जैक्टली देखो ये 9 पर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। ये जीरो से स्टार्ट किया है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये देखो 9 पर एग्जैक्टली आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको मेज़र करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ये कॉर्नर से स्केल रखनी है स्टार्टिंग पॉइंट से और ये मेज़र करना है। ये एग्जैक्टली हो रहा है 6 पर, है ना, 6 पर हो रहा है ना, तो ये हो गया 6। अब ये वाली रोड मेज़र करो स्टूडेंट्स, सी, तो ये मेजर यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, तो 4 से भी आगे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया 4.5। ओके, तो ये सब रहा हमने रोड्स को मेजर कर लिया, रोड 1, 2, 3, 4, ये सारी रोड्स को हमने मेजर कर लिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, सी रोड 1, रोड 1 का मेजरमेंट्स कितना है स्टूडेंट्स, तो जो रोड 1 जो है वो पूरा आपको कैलकुलेट करना है। रोड 1 पे कहाँ से, रोड 1 ये और ये वैल्यू को आपको टोटल करोगे तो हमारा 20.5 आएगा, 20.5 सेंटीमीटर आएगा। रोड 1 पे क्या क्या है, कितने सेंटीमीटर आए, 6 प्लस 5.5, फिर उसमें ऐड करोगे 1.5, फिर उसमें ऐड करोगे 7.5, ठीक है, तो टोटल आएगा रोड 1 का 20.5 सेंटीमीटर। ये रोड 1, 2, 3, 4 दिया है ना स्टूडेंट्स, तो रोड 2 पर जितने भी सेंटीमीटर, जितने भी नंबर लिखे हैं ना, तो वहाँ पे उसको टोटल करके फिर इसमें लिखना है आपको। अब रोड 2 देखो, तो रोड 2 का कितना है, तो देखो रोड 2 का है हमारी, ये रोड 2 है, रोड 2 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर ये पूरा रेड लाइन तक यहाँ तक जा रही है ना। तो ये रोड 2 पर कौन कौन से मेजरमेंट्स हमने किए, कितने कितने सेंटीमीटर के, 7.5 प्लस 3.5 प्लस 3.2 प्लस 4.3, ये सभी का आप, सभी नंबर का आप टोटल करोगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आएगा 18.5 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर रोड 3, रोड 3 में आप देखो, अब रोड 3 देखो स्टूडेंट्स, रोड 3 यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइन पर जितने भी सेंटीमीटर दिए हैं आपको वो लिखने, 9 प्लस 6 कितना हुआ स्टूडेंट्स, 15। अब 15 में आप 4.5 ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो 19.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 प्लस 6, 6 प्लस 4.5, ठीक है, 9 प्लस 6 करोगे तो कितना होगा, 15, 15 में 4 ऐड करो स्टूडेंट्स, कितना होगा, 90, और ये पॉइंट के बाद 5 एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 19.5 सेंटीमीटर रोड 3 का आया मेजर। रोड 4 का टोटल कितना है, रोड 4 का टोटल देखना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रोड 4 का टोटल, सी रोड 4 का आपको खुद से मेजर करना है स्टूडेंट्स, तो टोटल आएगा 23 सेंटीमीटर। 5 द शॉर्टेस्ट रोड्स, इसमें सबसे छोटी रोड्स कौन सी स्टूडेंट्स, सबसे छोटी जो रोड्स है वो रोड नंबर 2 है। रोड नंबर 2 पे आप देखोगे 7.5, 3.5, 3.2, 4.3, ये सभी का आप स्टूडेंट्स टोटल करोगे तो सबसे कम टोटल इसी का होगा, रोड 2 का, तो रोड 2 क्या होगा, शॉर्टेस्ट रोड होगी, रोड नंबर 2। 6 में ड्रो द शॉर्टेस्ट रोड्स अपार्ट फ्रॉम ऑल द गिवन 4 रोड्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर विल इट बी, कितने सेंटीमीटर्स होंगे अगर हम शॉर्टर रोड्स करें, तो शॉर्टर रोड्स में हमारे 17 सेंटीमीटर्स आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारी शॉर्टर रोड्स है स्टूडेंट्स उसका टोटल आता है 17 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे जो पूछा है कि जो शॉर्टर रोड्स है उसका सेंटीमीटर कितना है, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ शॉर्टर रोड्स,
तो शॉर्टर जो उसका टोटल है 70 सेंटीमीटर, जो इन सभी रोड से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर होगा शॉर्टर रोड्स का। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 10। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मैप गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ मैप दिया है, मैप में किलोमीटर्स दिए और जो भी पिक्चर दिया है उसके नेम्स दिए। कुछ फॉरेस्ट के हैं, कुछ आगरा फोर्ट्स के हैं, कुछ रिवर्स के हैं, ठीक है, कुछ रेलवे स्टेशंस के हैं और कुछ सिटीज के नियर के नेम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, ये मैप दिख रहा है, इसमें में बाबलपुर फॉरेस्ट दिया है, ये बाबलपुर फॉरेस्ट है, फिर ये आगरा फोर्ट्स दिया है, सी हियर यमुना रिवर्स, आगरा फोर्ट से यानी बाबलपुर फॉरेस्ट से होके आगरा फोर्ट से निकलती हुई ये यमुना रिवर्स गई हुई है, फिर आगरा फोर्ट से 2 किलोमीटर्स की दूरी पर ताजमहल आया है स्टूडेंट्स। ओके, फिर ताजमहल के नियर ताज फॉरेस्ट आया है, फिर ताजमहल के 5 किलोमीटर्स की दूरी पर आगरा रेलवे स्टेशन से। ओके, जो आगरा रेलवे स्टेशन है वो ताजमहल से 5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 40 किलोमीटर्स यहाँ पे फतेहपुर सिकरी दी है। ठीक है, तो मींस यहाँ से ट्रेन गुजरती है आगरा रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सिकरी, वो 40 किलोमीटर्स पर है। अब स्टूडेंट्स इस पिक्चर्स को देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने, सो टर्न योर पेज, पेज नंबर 72 पर कुछ क्वेश्चन दिए। देखो, व्हाट इज फादर फ्रॉम फादर, व्हाट इज फादर, फादर मीन्स दूरी, व्हाट इज फादर फ्रॉम आगरा, आगरा रेलवे स्टेशन, ये मीन्स आगरा रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पर है, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। तो आगरा रेलवे स्टेशन ताजमहल की दूरी पर है या फतेहपुर की सिकरी पर है, तो ताजमहल देखो यहाँ पे आगरा रेलवे स्टेशन किसकी दूरी पर है स्टूडेंट्स, ताजमहल की दूरी पर है। ठीक है, ये हमारा आगरा रेलवे स्टेशन है, ये हमारा ताजमहल है, तो ये कहाँ पे कितनी दूरी पर है, आगरा रेलवे स्टेशन ताजमहल की दूरी पर है। ओके, और ये फतेहपुर सिकरी तो बहुत दूर हो गया। ठीक है, तो ये ताजमहल या फतेहपुर सिकरी, तो यहाँ पे सॉरी आगरा जो रेलवे स्टेशन है वो ताजमहल की 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो वो नियर हुआ, हमको पूछा है फादर, फादर मीन्स कितनी दूरी पर, यानी कितने दूरी पर कौन सा है आगरा रेलवे स्टेशन पर, दूरी पर कौन सा है, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो यहाँ पे ताजमहल नहीं आएगा, फतेहपुर सिकरी आएगा, यहाँ पे फादर पूछा है। ठीक है, ज़्यादा लॉन्गेस्ट दूरी पर कौन है, ताजमहल या फतेहपुर सिकरी, तो फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नियर टू द रेलवे लाइन, बाबलपुर फॉरेस्ट और ताजमहल, कौन सी रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन की जो ट्रैक है, पटरियां हैं, उस लाइन के नियर पर क्या है स्टूडेंट्स, बाबलपुर फॉरेस्ट है या तो ताजमहल है, क्या है। देखो यहाँ पे ये रेलवे लाइंस दी है ना, तो ये रेलवे लाइंस के नियर पर, नियर पर मीन्स पास में, तो ये रेलवे लाइन लाइन है, ये ट्रैक है, पटरी बनी हुई है ना, तो ये लाइन पर क्या है, बाबलपुर फॉरेस्ट। तो नियर पूछा है, नियर मीन्स लाइन पर जो पटरी होती है ट्रेन की, उसके नियर पर बाबलपुर फॉरेस्ट है, तो हमको यहाँ लिखना है बाबलपुर फॉरेस्ट। सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फादर फ्रॉम बाबलपुर फॉरेस्ट, बाबलपुर फॉरेस्ट पर क्या आया हुआ है, कितनी दूरी पर क्या आया हुआ है, फतेहपुर सिकरी आई है, आगरा फोर्ट्स आया है। देखो यहाँ पर बाबलपुर फॉरेस्ट है, वहाँ पे दूरी पर आगरा फॉरेस्ट है या तो फतेहपुर सिकरी, तो ये बाबलपुर फॉरेस्ट है, आगरा फोर्ट तो पास में है, इसके नियर में, फादर कौन है, फतेहपुर सिकरी, तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे फतेहपुर सिकरी। सी 4 नंबर, व्हाट इज नियर टू यमुना रिवर, यमुना रिवर जो है, यमुना की जो नदी, उसके नियर पर क्या है, नियर मीन्स उसके पास में क्या है, ताजमहल है या आगरा रेलवे स्टेशन से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो यमुना रिवर जो है उसके पास में क्या है, ताजमहल है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके पास में ताजमहल है। 5th नंबर, व्हाट इज फादर फ्रॉम द रेलवे लाइन, यानी जो रेलवे लाइन है उसके दूरी पर क्या है, आगरा फोर्ट दिया है या ताजमहल दिया है, तो यहाँ पे ये रेलवे लाइन है उसके
के नियर पर बाबलपुर फॉरेस्ट था वो तो हमने क्वेश्चन नंबर 2-3 में देखा। अब इसकी दूरी पर क्या है? इसकी दूरी पर है ताज महल। देखो सी, यहाँ पे ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन पर आगरा फोर्ट दिया है या ताजमहल दिया है, तो ये रेलवे लाइन है तो ये आगरा फोर्ट तो इसके पास में, ठीक है, रेलवे लाइन के पास में। हमें फार्दर पूछा है, फार्दर मीन्स दूरी पर ताजमहल है, आगरा फोर्ट तो नियर है, ठीक है, तो ये ताजमहल रेलवे लाइन के ट्रैक्स पर फार्दर हुआ, मीन्स दूरी पर ताजमहल। सी सिक्स नंबर, वॉट इज नियर टू आगरा फोर्ट्स, आगरा फोर्ट्स पर नियर में क्या है, पास में क्या है, ठीक है, यमुना रिवर है या आगरा रेलवे स्टेशन से, तो ये आगरा फोर्ट्स है स्टूडेंट्स, उसके पास में क्या है, ताजमहल है या यमुना रिवर है, यमुना रिवर है। देखो इसके पास में ही यमुना रिवर है और ये ताजमहल उसकी 2 किलोमीटर्स की दूरी पर है, हमें उसके पास में पूछा है, तो आगरा फोर्ट्स के नियर में यमुना है, मीन्स पास में रिवर है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, वॉट इज फादर फ्रॉम फतेहपुर सिटी, अब फतेहपुर सिटी है स्टूडेंट्स, उसके दूरी पर क्या है, आगरा फोर्ट से या आगरा रेलवे स्टेशन से, फतेहपुर सिटी के आप दूरी पर देखोगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, ये फतेहपुर सिटी है, इसके पास में आगरा रेलवे स्टेशन है ना, तो इसकी दूरी पर आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सिटी की दूरी पर 14 किलोमीटर यहाँ पे आगरा फोर्ट से और ये आगरा रेलवे स्टेशन यहाँ पे, तो ये तो आगरा रेलवे स्टेशन तो फतेहपुर सिटी के पास हुआ और जो आगरा फोर्ट है वो दूर हुआ, ठीक है, तो फतेहपुर सिटी की दूरी पर आगरा फोर्ट है, तो ये हमने यहाँ लिखा आगरा फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नियर टू ताज फॉरेस्ट, ताज फॉरेस्ट के नियर में क्या है, पास में क्या है, यमुना रिवर है या बाबलपुर फॉरेस्ट है, तो हम देखते हैं ताज फॉरेस्ट, हमारा ताज फॉरेस्ट कहाँ है स्टूडेंट्स, ये है, इसके पास में क्या है स्टूडेंट्स, यमुना रिवर है या ताजमहल है, देखो यहाँ पे यमुना रिवर है, ठीक है, तो ताज फॉरेस्ट के पास में यमुना रिवर है। ओके, दिस वन इज कंप्लीट हियर, आपको क्वेश्चन नंबर 11 खुद से ट्राई करना है स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया, इसके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए, उसी तरह आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 11 इज योर HW1। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स हम MCQs के साथ। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिखवाए हैं स्टूडेंट, इसमें आपको आपकी वर्कबुक में सॉल्यूशंस करनी। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। एंड स्टूडेंट्स, दिस वन इज आल्सो योर HW, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये भी आपका होमवर्क है, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने करवाया है वो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको करना है, ये आपकी प्रैक्टिस वर्क के लिए। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।